दोस्तों मुझे पता है आप अपने चैनल से बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत मेहनत कर रहे हो उस पर, फिर भी आपके 2, 3, 5, 7, 8, 10 ही व्यूज क्यों रह जा रहे हैं? इसका कारण दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं इसमें 3 टॉपिक को कवर करूंगा भाई, ठीक है, 1, 2, 3, और तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तब तो तीनों को देखिए, समझिए, और नहीं तो आप सोचेंगे भैया हम 2 को छोड़ करके लास्ट वाला टॉपिक सुन लेते हैं भगा भगा करके, हमको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अभी ही इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब दोबारा कभी टाइम हो तो आप आके इस वीडियो को देख सकते हैं। हम भी यार दोस्त इस वीडियो को बहुत सीरियस मूड बना रहे हैं, क्योंकि मुझे भी यार एक चीज का बहुत टेंशन मतलब रहता है कि यार आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत पूछते हैं ये सब चीज़ें, और रोज वीडियो बना के डाल रहे हो नहीं पा रहा काम, आखिर प्रॉब्लम क्या है मेन, जिस चीज को हमने ये फेस किया है। और सब यूट्यूबर, कोई ऐसा नहीं है जो फेस ना किया उस चीज को, उस चीज को आदमी पार करके ही आगे बढ़ता, तब जाके ये 7-8 व्यूज जो लफड़ा है ना, इससे आदमी को छुटकारा मिलता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा रहेगा YT स्टूडियो दोस्तों, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ, यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, इसमें 600 व्यूज है, ठीक है। अब इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपके सामने है, एक पीछे वीडियो है, एक आगे वीडियो है, मेरा ही फेस है, मेरा ही वीडियो है, मेरा ही चैनल है, सब कुछ इसमें है। मगर एक में ऊपर में देखेंगे 2 घंटा में 31 व्यूज, नीचे वाला में देखेंगे 2 दिन पहले का है 142 व्यूज, अब बीच में देखेंगे क्या है 600 व्यूज। इससे आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? तो दोस्त मैं यहाँ पर ये चीज दिखा करके यही समझाना चाहता हूँ आपको कि देखिए, वीडियो कभी भी बनाइए, आप किसी भी टॉपिक पर बनाइए, मगर इंटरेस्टेड वीडियो होना चाहिए अभी के लिहाज से, क्या अभी चल रहा है मार्केट में, ठीक है, वो चीज आपको देना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ में, ये साबित करता है दोस्त कि आपको सही चीजें बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वीडियो बना रहे हैं जब मन तब, जैसा मन तैसा उठा के वीडियो जहां तहां का डालेंगे, नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप देखिए यूट्यूब पर कि आखिर लोग अभी पसंद क्या कर रहे हैं, इस चीज को आपको देखना बहुत जरूरी है, पहला नंबर, ठीक है, इस चीज को समझ गए आप। अब चलिए दूसरा नंबर, हम चलते हैं सीधा यूट्यूब पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा पे हम आ गए, यहाँ पर यूट्यूब में आने के बाद आपको सबसे पहले पता चलेगा भैया किस टाइप का वीडियो लोग देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं मतलब कि, ठीक है, देखना पसंद कर रहे हैं। अब उस चीज को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब, ये सॉरी सब्सक्राइब यहाँ पर लिखा हुआ वही मैं पढ़ दिया, आपको यहाँ पर सर्च करना है सबसे पहला नंबर, या आपको जो भी चीज मतलब लगा मन में कि भैया जैसे कि मान लीजिए मेरे ही सब्सक्राइबर है, भैया व्यूज कैसे बढ़ाएं, अगर ये चीज सर्च करते होंगे तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, ठीक है, व्यूज कैसे, देखिए व्यूज कैसे सिर्फ लिखे ना, इतना सारा दुनिया भर का कीवर्ड दोस्तों यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं ये। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप लोग लगता रहे तो झंडू जैसे बता रहा, कौन बता रहे थे, मैं बताता था ऐसा कि यहाँ सर्च करके इसको लगाओ। ये लगाने का मतलब दोस्त ये है कि आप वीडियो तो मतलब कि जमाने के लिहाज से बना दिए, ठीक है, अभी जो चल रहा है, ठीक है, मगर वो वीडियो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, सर्च करके पहुंचेगा। वो तो ऐसे तो होता है कि बहुत ज्यादा ब्राउज फीचर से पहुंचता है, मगर क्या होता है यार ब्राउज फीचर में भेजने के लिए वीडियो में मतलब कि वॉच टाइम अपना सही होना चाहिए बिल्कुल। अब नया नया कोई भी आता है, हम चाहे आपको वीडियो एडिटिंग उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, न सही से हम लोग बोल पाते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अपना वीडियो को सर्च में भेजना पड़ता है, तब जाके उससे क्या होता है कि हमारे नए ऑडियंस जो है कनेक्ट होते हैं हमसे। अब इस चीज को ऐसे समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए 3, 4, 10 व्यूज आ रहा है, आपके पास 50, 100, 200 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 10 व्यूज ही आ रहा है, अब अपना सर्चेबल बनाएंगे ना ही जमाने के लिहाज से वीडियो बनाएंगे, तो यार न सर्च होगा न जमाना देखेगा आपको, फिर आपके पास व्यूज बढ़ेंगे कैसे, लोग नए आएंगे कैसे। नए को आने के लिए हमको वीडियो को सर्च में भेजना बहुत जरूरी है, नहीं जाएगा सर्च में बिल्कुल नया नहीं आने वाला। हाँ आपके अगर दम है आपके अंदर, वॉच टाइम अगर आप गेन कर सकते हैं सही, ऑडियंस रिटेंशन वीडियो बना करके, तो आपका वीडियो वायरल भी हो जाएगा, है ना, ब्राउज फीचर से वायरल हो जाएगा, सर्च में आए चाहे ना आए, मगर ये चीज मेन है कि सर्च में लाना पड़ता है अपने नए चैनल को, अगर हमारे अंदर उतना दम नहीं है तब। जैसे मैं भी इस चीज को किया, दम नहीं था मेरे अंदर, मैंने सर्च में लाया कुछ वीडियो को, जिससे आज भी हमको व्यूज मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, इसका प्रूफ भी आपको मैं दिखाता हूँ, नहीं तो बोलेंगे यार ऐसे दिखा दिया बेकार, अच्छा नहीं लगता ना, प्रूफ भी देखिए इस चीज को। मैं फिर से YT स्टूडियो में आता हूँ, यहाँ देखिए एनालिटिक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये चीज है, ये देखिए सर्च में क्यों आ रहा है, देखिए इतना सारा वीडियो हमको रोज व्यूज देके जाता है दोस्तों, ये क्या है सर्च में आने का नतीजा तभी ना देता है ना। अब इसमें मैं मान लीजिए क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये दोस्तों कब का वीडियो डाला हुआ है, देखिए यहाँ पर कब का कहाँ दिखाया गया यार, कब का वीडियो डाला हुआ है यहाँ पर दिखाएगा शायद रीच में ना, इम्प्रेशन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग तो नहीं दिखा रहा मेरे हिसाब से, कहाँ दिखाता है पूरा पता है, मेरे को ध्यान में भी नहीं अभी, ठीक है। तो मतलब बहुत दिन पहले का वीडियो है वो, जाके अभी भी सर्च में आ रहा है, इससे हमारा व्यूज आ रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोग भी उसी हो सकता है उसी सब वीडियो से आप लोग भी गेन हुए हैं मेरे साथ में, मतलब जुड़े हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो ये हमारा 2 टॉपिक हो गया। अब तीसरा टॉपिक क्या है, देखिए तीसरा सबसे मेन चीज अपना थंबनेल, ठीक है, ये 2 चीज तो हम कवर कर लिए। अब तीसरा आता थंबनेल, थंबनेल आपको यहां पर मैं इसको बंद कर लेता हूं,
थंबनेल यार बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थंबनेल है, समझे। यहाँ पर इसको रख ही देता हूँ। थंबनेल अगर सही नहीं रहेगा आपका तो वीडियो कितना भी अच्छा बना लीजिए, सर्च में भी चला गया वीडियो, मगर सर्च में करने पे क्या होता है, तीन चार लोग का नीचे सर्च में आता है। अब भैया थंबनेल वहां सही नहीं रहेगा तो नीचे वाले पे कोई क्लिक कर देगा, आपका वाकई में सर्च में आ रहा है ऊपर, मगर कोई मतलब नहीं। तो थंबनेल भी आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। बस दोस्त इस तीन चीज को आप कवर करते जाइए, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह आपका व्यूज जो है कि बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बाकी और कोई तरीका, कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं है, समझे, कि यहाँ ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, व्यूज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ने वाला। यही तरीका इसी से सब लोग करते हैं। बस मिला जुला कहने का मतलब मेरा यह है कि आपका वीडियो नए ऑडियंस तक जाना चाहिए, चाहे आपका किसी भी कैटेगरी में चैनल हो, चाहे ब्राउज से भेजिए चाहे सर्च से भेजिए, मगर जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो नहीं बढ़ेगा। तीन लोग हैं आपके सब्सक्राइबर, तीन ही देखते रहेंगे रोज 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 रोज, क्या मतलब है, नहीं जाएगा ना, ठीक है। बात अब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब भाई एक लाइक बनता है, ठीक है, एक लाइक मारिए, और चैनल पर नए हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी मैं इस टाइप का चीज आपको सिखाता रहूंगा। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।